हाय, दिस इज मनी शर्मा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियरली बताया था कि 11,850 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, और 11,850 के अगर ऊपर जाता है तो आपको बाइंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है और निफ्टी बुलिश हो जाएगा। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियरली बताया था। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो देख लो, तो आपको कंटिन्यूशन में समझ में आएगा। अब जो व्यू है वो क्लियरली बुलिश है, 11,850 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, 11,850 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, और 11,900 कल अगर क्रॉस करता है डेफिनेटली हमें यहाँ से 200-300 पॉइंट की रैली हमें देखने को मिल सकती है। निफ्टी में 12,200 के टारगेट के लिए हम लोग ट्रेड कर सकते हैं बुलिश साइड। सो निफ्टी में आपको बैंक की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया था 23,850, अगर आपको याद है मैंने लास्ट वीडियो में क्लियरली बोला था लेवल 23,850 अगर क्रॉस करता है तो ये ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, बैंक निफ्टी जो है वो बुलिश हो जाएगा। बैंक निफ्टी अगर आप देखो उस लेवल से 400 पॉइंट ऊपर गया है, और बैंक निफ्टी में अब जो टारगेट आते हैं वो 24,800 25,000 तक के आते हैं, तो यहाँ से 700-800 पॉइंट का रैली हमें और देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। सो बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा बाय रहेगा, कोई भी डिप मिलता है इंट्राडे में बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा बाय रहेगा 25,000 तक के टारगेट के लिए, और आप स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हो 23,850 का। आज अगर आप देखो फार्मा स्टॉक्स में हमें काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली और फ्रेश शॉर्ट्स भी हमें देखने को मिले हैं। ग्लेनमार्क फार्मा काफ़ी अच्छा शॉर्ट लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखो ये लास्ट 3 दिन से एक रेंज में ही फंसा हुआ था, आज इसने एक ब्रेकडाउन रेड कैंडल बनाया है, और मुझे लगता है अगर ये लो ब्रेक करता है तो एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है, 440-450 तक आ सकता है ये स्टॉक, तो काफ़ी अच्छा शॉर्ट रहेगा ग्लेनमार्क फार्मा। एग्जैक्टली कौन से लेवल पर सेल करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। नेक्स्ट स्टॉक होगा IGL। IGL का भी स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी वीक लगा, क्योंकि अगर आप देखो ये फॉल आया था, उसका रिट्रेसमेंट हुआ और उसके बाद हमें यहाँ पर सप्लाई देखने को मिल रही है। आप देख सकते हो काफ़ी कैंडल्स में यहाँ पे टेल्स है, और मुझे लगता है ये वापस डाउनफॉल कंटिन्यू कर सकता है। एग्जैक्टली कौन से लेवल पर सेल करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। लास्ट स्टॉक होगा HUL। HUL का स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है बाइंग के लिए, क्योंकि अगर आप देखो इसने काफ़ी अच्छा एक ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है यहाँ पर, और HUL का रिजल्ट भी, HUL मुझे बाइंग की तरफ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ से 2,250-2,300 तक के टारगेट के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। एग्जैक्टली कौन से लेवल पे बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, लेकिन इसका स्ट्रक्चर बाइंग के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है रिजल्ट के पहले। अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।